राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका दास मनोहर दास। तो उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो मैं आज आपको विज़िट कराने जा रहा हूं मिट्टी सिटी में मौजूद हिंदुओं की, जो कि वहां पे सब्जियां बेच रहे थे। वो सब्जियां नेचुरली तौर पे होती है डेज़र्ट पे, जब बारिश होती है, बारिश के बाद होती है। और उनमें से वो तीन चार किस्म की सब्जियाँ थी जो कि वो हिंदू कम्यूनिटी के लोग थे वो वहाँ पर वो सब्ज़ियाँ सेल कर रहे थे। जिनमें से वो जो सिटी थी मिट्टी शहर, वहाँ पे 90% हिंदू रहते हैं। और बेसिकली हम वहाँ पे गए थे, मुरलीधर मंदिर है कृष्ण भगवान का, वहाँ पे उसका विज़िट करने के लिए गए थे। तो हमें वहाँ पे रास्ते में मौजूद वो मिले थे जो कि कुछ सब्जियाँ सेल कर रहे थे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। हम दोस्तों अभी हम मिट्टी शहर में हैं सिंध के। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, आपको एक चीज़ दिखाएं, यहाँ की एक मशहूर सौगात है जो कि सहराए चोलिस्तान में होती है। एक पेड़ होता है जिसके ऊपर फल लगते हैं और यहाँ पे वो बेच रहे हैं। इसका अचार भी डाला जाता है और सब्ज़ी भी बनाई जाती है। इसे संगरी कहते हैं और केर, संगरी और केर के ये 100 रुपये किलो ये बेच रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मिट्टी शहर में ये छोटी सी मंडी लगी हुई है, सब्ज़ी मंडी। यहाँ पे ये थर के जो वासी होते हैं, थर के रहने वाले, ये गर्मियों की सौगात होती है, वहाँ से तोड़ के लेके आते हैं ये सब्ज़ियाँ। ये 100 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पे सेल कर रहे थे, जिसमें ये संगरी थी और केर थे, और भी यहाँ पे तरु भी थे जिसे पंजाबी ज़बान में कोड़तुम्बा कहते हैं। ये अलग अलग डिफरेंट किस्म की सब्ज़ियाँ यहाँ पे सेल कर रहे थे। ये ज़्यादा तो बरसात के बाद या गर्मियों में होती है ये, ठीक है। और ये थर रेगिस्तान इलाकों में होती है जहाँ पे इसके पेड़ होते हैं और ये पेड़ों पे लगती है, इसे संगरी कहते हैं। और इसकी मतलब कि सब्ज़ी बनाई जाती है, बहुत ही प्यारी और मज़ेदार सब्ज़ी बनती है इनकी। और इसके अलावा और क्या सब्ज़ी है? इसके अलावा और क्या है? तो यहाँ पे एक और सब्ज़ी भी है जिसे केर कहते हैं। हम तो अपनी ज़बान में इसको पीलू कहा करते थे, बल्कि कहते हैं। इसका अचार बनाया जाता है, अचार डलता है। तो ये लोग थर से आए हुए हैं यहाँ पे मिट्टी शहर में, थर से वहाँ से ये लोग सहरा से तोड़ के लेके आते हैं और यहाँ पे आके सेल करते हैं। सीधा हम आगे जाके इन लोगों से पूछते हैं कैसे इनके लोग हैं, क्या सेल कर रहे हैं। क्या हाल है दोस्त, क्या नाम है आपका? क्या वीर जी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सहरा में होने वाला एक पौधा फल एज ए सब्जी ये यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ये सब्जी के लिए यूज़ किया जाता है। क्या कहते हैं इसे? खरबूजा। खरबूजा, ये तरु वो नहीं है? तरु नहीं, नहीं। तरु, तरु, तरु है ना। हाँ, ये देखिए, जिसे पंजाबी में कोड़तुम्बा भी कहते हैं और मारवाड़ी जबान में तरु कहा जाता है। ये एज अ सब्जी के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट व्लॉग में मैंने आपको इसके बारे में बताया था।